बिग बॉस 14 के सेट पर काफी वक्त बाद खुशियां लौटी थी। मेकर्स और टीम के साथ कंटेस्टेंट और सलमान खान को बड़ा ही फायदा मिला। जी हाँ, बिग बॉस 14 की ताबड़तोड़ टीआरपी से काफी रात तक शो की टीआरपी देखने लायक थी। यूं कहें कि 3 महीने बाद पहली बार बिग बॉस 14 की टीआरपी नंबर 1 पर देखी गई, और न सिर्फ देखी गई बल्कि काफी देर तक नंबर 1 पर ही टिकी रही। जी हाँ, अगर 10:30 के बाद किसी शो की टीआरपी 1.5 जा रही है, मतलब बिग बॉस खूब पैसा कमा रहा है। जैस्मीन के आउट होने पर भी इस शो ने खूब पैसा कमाया, क्योंकि उस दिन शो काफी लंबा खींचा गया और टीआरपी की लिस्ट में पहला नंबर बिग बॉस 14 ने ही लिया। इसकी वजह एकमात्र कंटेस्टेंट राखी सावंत भी कही जा रही है। जी हाँ, जब से राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में एंट्री की है, तब से शो की टीआरपी देखने लायक है। ऐसे में ये बात जब राखी को पता चली तो उन्होंने बड़ा ड्रामा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, राखी ने ज्यादा पैसों की डिमांड रख दी। बात भी सही है, जब शो राखी से पैसे कमा रहा है तो राखी को भी ठीक ठाक पैसे तो मिलने ही चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन शो ने राखी को और ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद राखी ने शो से आउट होने का फैसला कर लिया। जी हाँ, राखी सावंत के आउट होने की खबर से फैंस को धक्का बैठ गया, क्योंकि राखी सावंत इस वक्त फैंस का खूब एंटरटेन कर रही हैं और फैंस सिर्फ उन्हीं को ही शो में देखना चाहते हैं। भाई, राखी गई तो शो भी गया, सेट पर ताला लगना तय है। वैसे भी जब से बिग बॉस मैनेजर पिस्ता दाकर का निधन हुआ, तब से सेट पर मायूसी छाई हुई है, और अगर अब राखी गई तो यकीन मानिए शो का फिनाले से पहले दी एंड हो जाएगा। तो बिग बॉस 14 की इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर ये भी है। अक्सर बिग बॉस के घर में होने वाली घटनाएं कभी फैंस को हंसाती हैं तो कभी रुला भी देती हैं। इस बीच बिग बॉस 14 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता दाकर का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। पिस्ता दाकर का एक्सीडेंट बिग बॉस 14 के सेट के ठीक बाहर हुआ। पिस्ता दाकर बिग बॉस 14 को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी एंड मोल शाइन इंडिया में काम कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस की शूटिंग देर रात तक की जाती है, इस बार भी वीकेंड की बार की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान सेट पर सलमान खान भी मौजूद थे, और वीकेंड के बार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता दाकर अपनी असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई। रात को अंधेरे होने की वजह से पिस्ता दाकर की स्कूटी स्लिप होकर एक गड्ढे में जा गिरी। स्कूटी से गिरी पिस्ता दाकर एक वैनिटी वैन के नीचे आ गई और वो उठ नहीं पाई। गंभीर रूप से घायल हो चुकी पिस्ता धाकर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। धाकर बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो के लिए भी काम कर चुकी हैं। पिस्ता के जाने से टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं ये दुखद खबर सुनकर बिग बॉस 14 के फैंस को भी जोरदार झटका लगा। बात अलग है कि इस घटना के बारे में अभी तक बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को कोई खबर नहीं दी गई, वरना बिग बॉस के घर वाले भी डर सकते हैं, क्योंकि हादसा बिल्कुल फिल्म सिटी में बिग बॉस हाउस के गेट पर हुआ। 14 में एंट्री करते ही राखी सावंत का असली चेहरा सबने देख लिया। जिस तरह से लोग उन्हें ड्रामा क्वीन कहते थे, फालतू व्यायाम देने के लिए जाना जाता था, लेकिन राखी असल में कैसी है वो बिग बॉस ने दिखा दिया। उनके अंदर इंसानियत और प्यार भी कूट कूट कर भरा है। कई कंटेस्टेंट राखी से खुश हुए, इतना ही नहीं टीवी स्टार भी राखी के नेचर पर फिदा हुए। हैरानी तो तब हुई जब राखी को बिग बॉस में अपने पति का लेटर पढ़ते हुए रोते हुए देखा गया। जी हाँ, हस्बैंड का लेटर पढ़ने के बाद राखी का जो हाल हुआ वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कुछ समय पहले बिग बॉस 14 में एंट्री लेने वाली राखी सावंत को भी उनके हस्बैंड ने लेटर भेजा। इस लेटर को पढ़कर राखी इमोशनल होती दिखी। आइए जानते हैं क्या था उस लेटर में। राखी ने लेटर में पढ़ा, माय डियर स्वीट हार्ट राखी, ये क्रिसमस इतना स्पेशल होने की वजह तुम हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत आभारी हूँ। तुम बिग बॉस में अच्छा कर रही हो, प्लीज एंटरटेन पर फोकस करो, और जैसा तुमने पहले खेला था वैसा ही गेम खेलो, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना, अपनी गेम पर फोकस करना। मैं तुम्हें एक विनर के तौर पर देखना चाहता हूँ,
तुम मेरा गर्व हो, जीत कर ही आना। पति का लेटर पढ़ते हुए राखी गर्व महसूस करती है और उनके अंदर हिम्मत भी आती है, साथ ही आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए हुए राखी कहती है, मुझे गेम खेलना नहीं आता रितेश, मैं बस एंटरटेनमेंट करती हूँ, पर हाँ कोई अगर मुझे कुछ कहेगा तो उस पर अपने लिए स्टैंड लेना आता है। राखी कहती है, हर चीज फाइटिंग नहीं होती है। राखी आगे कैमरे पर देखते हुए अपने पति रितेश के खत को भेजने के लिए धन्यवाद देती है, थैंक यू रितेश, लव यू, गॉड ब्लेस यू, मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना अपनी बिजी लाइफ में मेरे लिए प्लीज। राखी कहती है, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी प्यार नहीं पाया, मुझे विश्वास है आप मुझे वो प्यार देंगे। राखी पति का लेटर पढ़कर बिल्कुल टूट गई। ऐसा लग रहा था कि राखी को रितेश से पहले किसी ने प्यार नहीं किया था, और सच में राखी का बचपन याद कर वो आज भी रो पड़ती है। राखी के साथ बचपन में ऐसे सलूक हुए जिसे वो याद करना भी नहीं चाहती है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत को लेकर अचानक बिग बॉस के अंदर हंगामा मच गया। उनकी हालत देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सही सलामत राखी आंसुओं से रोई, कपड़े फाड़ने लगी, ऐसी बातें करने लगी जिसे सुनकर हर कोई डर गया। राखी सावंत असल जिंदगी में जो हैं वही बिग बॉस के अंदर भी दिखी। मतलब ड्रामा क्वीन ड्रामा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, राखी सावंत का बिग बॉस के अंदर नया रूप देखकर हर कोई शॉक रह गया। उनकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, खूब कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप इनका ये रूप देखकर जरूर डर जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि राखी सावंत पर किसी आत्मा का साया आ गया, इसे लोग ड्रामा जरूर बता रहे हैं, लेकिन अब आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि राखी का ये ड्रामा है या फिर सच में उनके ऊपर कोई आत्मा हावी हो गई। शेयर किए गए प्रोमो में देखा जा सकता है कि राखी सावंत एक टक देख रही हैं और कहती हैं, मैं 2 साल से खुश नहीं हूँ और ये मेरी जगह है। गोद में उन्होंने विकास गुप्ता को सुलाया हुआ। फिर अचानक ही राखी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहीं सब घर वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी जाती हैं। राखी को आईने के सामने रोते हुए देखा जाता है। वो अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। इतना ही नहीं, वीडियो में राखी को अजीब कपड़ों में देखा जाता है। उनके कपड़ों की हालत देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपने कपड़ों के साथ भी कुछ खिलवाड़ किया है। जिस तरह से वो अपनी बॉडी को कुछ कपड़ों से छिपाती दिख रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस के अंदर भी उन्होंने अपनी बॉडी के साथ कोई हरकत की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राखी सावंत ये सब एंटरटेन करने के लिए कर रही हैं या फिर सच में कुछ ऐसा ही हुआ है, या हो सकता है कि बिग बॉस ने उन्हें कोई टास्क दिया हो। वैसे राखी का ये डरावना अवतार दर्शकों के साथ साथ टीवी सेलिब्रिटीज को भी खूब पसंद आ रहा है।